हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। हैदराबाद रेप और मर्डर केस में जनता के आक्रोश के बाद हैदराबाद पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इस फैसले पर लोगों के बीच जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां सोशल मीडिया पर कई लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो पुलिस के इस एनकाउंटर की आलोचना कर रहे हैं। जहां कई लोगों ने पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार को रियल लाइफ सिंघम और सिम्बा जैसे किरदारों से नवाजा है, वहीं हेयर स्टाइलिश और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सपना भवनानी ने इस घटना को लेकर सलमान खान पर तंज कसा है। सपना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अक्षय को भूल जाओ, सिर्फ चुलबुल पांडे ही इस तरह का रोल निभा सकते हैं। तो देखा आपने, इस मामले को लेकर सपना ने सलमान खान का मजाक उड़ा दिया है। बता दें कि सपना भवनानी ने साल 2013 में बिग बॉस के शो में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान और सपना के बीच इस शो के दौरान भी काफी गहमा गहमी हुई थी और सलमान ने उनसे एक सवाल पूछा था, जिसका सपना ने भाईजान को करारा जवाब दिया था। सलमान ने सपना से पूछा था कि अगर आप यहाँ गेम खेलने नहीं आई हैं तो क्या आप पिकनिक पर आई हैं? जिसके बाद सपना ने कहा था, कोई हक नहीं बनता हर हफ्ते सबकी बेइज्जती करते रहे हर फ्राइडे, क्योंकि आप मुझे पैसा देते हो, मैं आपकी बकवास सुनती रहूंगी हर फ्राइडे। सपना ने सलमान को चैलेंज भी किया था कि वो उन्हें शो से बाहर निकाल कर दिखाएं। उन्होंने कहा था कि वो कोई ऐसी आर्टिस्ट नहीं है जिनसे दबाव में कुछ भी करवा लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सलमान के लिए भी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं सपना के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोगों को तो काट करके फेंक देना चाहिए, नकआउट का चाहिए सीधा एनकाउंटर। मेरे हिसाब से पब्लिक के हवाले छोड़ देना चाहिए, इनके इतने पीसेस करने चाहिए, इनको काट देना चाहिए। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और उसको जलाकर मार देने वाली घटना के मामले में अभी एक बड़ा अपडेट आया है। इस मामले में आरोपी चारों आरोपियों को हैदराबाद की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दरअसल पुलिस इन चारों को घटनास्थल पर रिक्रिएट करने के लिए, सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर गई थी, तभी इन चारों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली मारकर उनको मार दिया। इस घटना इसके बाद से उन लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश जगा था, लोग बेहद नाराज थे और वो सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे थे। इसी बारे में हमारे साथ हैं निधि। निधि, आपको क्या लग रहा है, कैसा हुआ ये चारों आरोपी मारे गए? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम कैसा है। ये केस बहुत लंबा चलता और उस लड़की के पेरेंट्स को भी बहुत झेलना पड़ता है। जैसे निर्भया केस में आप देख ही रहे हैं कि उसके पेरेंट्स इतने साल से लगातार सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि आप एनकाउंटर में वो मर गए, क्योंकि ये केस हमारे यहाँ की जुडिशरी सिस्टम बहुत लंबा है। ये केस फिर जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर अगर फांसी भी हो गई तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहाँ पर बहुत दया याचिका की जाएगी और बहुत लंबा खींचेगा। जो बींग अ पेरेंट्स और जो भी उनके रिलेटिव होते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है कि एक उन्होंने उसकी बेटी खोई है और उसके बाद वो इतना सब कुछ एक लंबे समय तक उनके लिए भी वो मेरे हिसाब से बहुत प्रताड़ित करने वाला ये होता है कि बार बार वो उसी केस को उन्हीं घटनाओं पे डिस्कस करें, वो कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर वो एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन अभी इस मामले में एक और चीज़ है कि ये पूरा मामला, क्योंकि चारों आरोपी पकड़े गए थे और उसके बाद उन पर केस चल रहा था, तो जस्टिस से पुलिस का काम आरोपियों को पकड़ना है, कोर्ट के सामने पेश करना है, लेकिन इस तरह से एनकाउंटर कर देना, कई तरह के उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमन, देखिए सवाल तो उठेंगे ही, ऑब्वियसली लगेगा कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि केस इतना ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो गया है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है और आई एम श्योर हैदराबाद के CM के ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि बेटर ये है कि इस केस को दबा दिया जाए और अगर इनका एनकाउंटर हो जाएगा तो मीडिया में जो इतने टाइम से यही ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं यहाँ पर मैं इमोशनल होकर बात करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरी भी बहनें हैं और अगर मेरी भी बेटी होगी तो मैं इमोशनल होकर बात करूँगी और मेरे हिसाब से इमोशनल एंगल से अगर मैं बोलूँगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, एक तरह से ये बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ मुझे जो खुशी दे रही है वो ये है कि टाइम बचा, कोर्ट जाने का टाइम बचा, हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, ये वकील करने का, पुलिस को दिखाने का, सबूत लेने का, ये सारी चीज़ें का जो मैकेनिज्म है वो चीज़ बचा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये खुशी की बात है। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि अभी ये मामला चल रहा था, अब पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से सभी के अंदर एक गुस्सा है और रोष है। उसके ठीक 2 दिन और 3 दिन बाद जो है उन्नाव में एक तरह का केस हो जाता है,
आज सुबह सुबह जब खबर आई कि क्राइम सीन रिक्रिएट किया और फिर एनकाउंटर हो गया, ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी सुबह सुबह की मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है बिल्कुल भी। जो भी निर्भया का इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट यही सब करते रह जाते हैं हम, उसके बाद कुछ होता नहीं है, सच रिज़ल्ट कुछ आता नहीं है। उस हिसाब से अब जो हुआ, पुलिस वालों ने एक्शन लिया, आई थिंक इट्स हाई टाइम हमारी जुडिशरी अब एक्शन में आई है। और जो भी हुआ, एनकाउंटर किया उनका, मतलब मेरे हिसाब से तो और शायद बहुत बुरी तरह से उनकी मौत होनी चाहिए थी, आई डोंट नो, मैं बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अभी उनका एनकाउंटर हो ही जाना चाहिए था, वरना ये बहुत लटकता, ये केस चलता रहता, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल था, कोई सेंस नहीं बनता इसका फिर, क्योंकि अब सब गुस्से में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे, रेप केसेस बैक टू बैक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो ये जो एक्शन लिया पुलिस ने, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। कैसा क्या लग रहा है? देखिए, 2012 में निर्भया केस हुआ, 2019 में प्रियंका रेड्डी केस हुआ, तो दोनों मामले में देख लीजिए, अभी उसमें सब आरोपी जेल में पड़े हैं, किसी को फांसी तक नहीं हुई, और इसमें 8-10 दिन के अंदर फैसला भी आ गया एक तरह से, यानी कि न कोर्ट न कचहरी, सीधा एनकाउंटर, मतलब रेप के आरोपियों को सही सजा मिली है मेरे हिसाब से। तो कब तक आप जुडिशरी के भरोसे रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सारे केसेस पेंडिंग है, कभी इनके पास सुनवाई के वक्त वक्त नहीं मिलेगा, फिर जाएंगे कोर्ट में, कुछ पास जाएंगे राष्ट्रपति के पास, इससे बेटर है कि सबसे पहले उनको ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से सही हुआ पूरा बिल्कुल। आज जो फैसला आया उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे कलेजे जो काफ़ी ठंडक मिली, मेरे साथ साथ जो भारत की बेटियाँ हैं, फ्रेंड लड़कियाँ हैं, उनको भी बहुत खुशी हुई होगी, पर उन्हें इतनी आसानी मौत नहीं देनी चाहिए था, उन्हें मार कर कुत्तों को दे दो, उन्हें भी जलाओ तड़पाओ जैसे उसने उसके साथ किया, उन्हें भी वही फीलिंग होनी चाहिए जैसे उस लड़की ने फील किया। आज सेफ नहीं है बेटियाँ भारत में, कहते तो हम भारतीय हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, सम्मान देते हैं लड़कियों के, पर अब क्या, कम से कम आप एक सुरक्षा तो दे दो, बस लड़कियां थोड़ी सेफ्टी महसूस करें, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। जिसमें आरोपी जो है, जिनके ऊपर आरोप लगा है बलात्कार का, वो जो है वो फिर वो एक लड़की को जला देते, तो ये कितनी शर्म की बात है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश के लिए शर्म की बात है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे लिए भी ये शर्मनाक है कि आप एक मानसिकता कैसी बनती जा रही है लोगों की, कि वो लोग जो है औरतों को क्या समझने लगे हैं, एक यूज एंड थ्रो या इस तरह की तमाम बातें जो कही जा सकती है, कि एक तरह से कहा जाए कि बड़ा ही नीच हरकत के हिसाब से देखा जाए। अब मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार थी, तो उसमें भी इनकाउंटर हुए थे, उसको भी काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएट किया था कि जो पहले से अपराधी हैं उनका जो है वो भाग रहे थे जेल से। तो आज भी ऐसा ही हुआ, कहा जा रहा पुलिस के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जब वो रिक्रिएशन हो रहा था जहाँ पे घटना हुई थी, तो एक अपराधी एक जो है पुलिस का रिवाल्वर लेके भागने की कोशिश की, और उसके बाद जो है पुलिस अपने प्रोटेक्शन में ये बात की और गोली चलाई और चारों अपराधी की। पुलिस पे ही सवाल उठते, लेकिन ये बात कहूँ उससे पहले दो बातें और मुझे जो याद आ रही हैं उसके हिसाब, अब देखिए निर्भया केस में 7 साल से जो है पेंडिंग चला आ रहा है, अभी राष्ट्रपति के पास, गृह मंत्रालय के पास, दिल्ली सरकार के पास, इस तरह से वो चलते चलते अभी आपने देखा होगा कि कई सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज़ हो गया कि आप जो है फांसी ही नहीं दे रहे, सिस्टम इतना लाचार है कि वो फांसी की प्रक्रिया को पूरा ही नहीं कर पा रहा, और इस वजह से कई लोगों की फांसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ह्यूमन एरर को देखते हुए उनकी फांसी को रद्द कर दिया। तो आप कर क्या रहे हैं यही नहीं समझ में आया, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए दिली खुशी की बात है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, ये सलूट करने वाली बात है। मैं बहुत खुश हूँ पुलिस ने जो किया ठीक किया, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा जो रेप करते हैं फिर उसके बाद मार डालते इतने गंदे तरीके से, ऐसे लोगों को तो और तड़पाना चाहिए, एकदम पब्लिक में छोड़ देना चाहिए कि इन लोगों को हर तरीके से मारे, बीच चौराहे पे टांग के इन लोगों को नापुंसक बना देना चाहिए। इतने मतलब एक केस हुआ, दो केस हुआ, मतलब ये तो बढ़ते ही, इन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। मार दिए पुलिस वालों ने, अच्छा किया कि ये केस और लंबा चलता, फिर ये धीरे धीरे दबते जाता, पब्लिक इसे भूल जाती, लेकिन हमें लगता है इसको और उन लोगों को जिस हिसाब से उन लोगों ने किया ना, उसके हिसाब से ये बहुत कम है, मर गए, ख़त्म हो गया केस। लेकिन वो लड़की जब जिंदा जली है,
उसको जो दर्द महसूस हो वो दर्द उन चारों को ही पता महसूस होना चाहिए, तब पता चलेगा। और अगली बार से जो भी इसको करे उसके रूह कांप जाए कि हाँ ऐसा भी केस है। हमारे क्या होता है, हमारा कोर्ट इतना लंबा चलता है, लोग भूल जाते हैं, उसके बीच में एक रेप हो जाता है। जैसे कि निर्भया केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ इस बीच में इसका आ गया। तो इन लोगों को मार दिया, ठीक है पुलिस ने अच्छा किया, लेकिन और भी इन लोगों को तड़पाना चाहिए था। बीच चौराहे पे इन लोगों को मतलब जितना दर्द देना चाहिए ना और देना चाहिए। हैदराबाद एनकाउंटर, ये जो हैदराबाद केस है इसमें जिन चार लोगों का एनकाउंटर किया है पुलिस ने, ये एकदम सही किया है और बहुत अच्छा किया है। ऐसे लोगों को तो काट करके फेंक देना चाहिए, कुत्तों के बीच में छोड़ देना चाहिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को नपुंसक बना देना चाहिए जो इस ऐसे दरिंदगी करते हैं और ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को पूरा ख़राब करके रखा हुआ है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो जो हमारा देश भारत है वो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, सबसे ऊपर में आता है अनसेफ में, डेंजर में। तो सुन करके भी बहुत बेकार लगता है, इस चीज़ से बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। निर्भया केस भी जैसे कि हमने देखा, अभी तक उनके जो आरोपी हैं उनको सज़ा नहीं मिल पाई है। और ये जो हैदराबाद की पुलिस ने किया है इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन लोगों के साथ इसी तरीके की चीज़ करनी चाहिए थी। और ये करके एक चीज़ और साबित हुई है कि आगे जो ये दरिंदे जो इस तरीके की हरकत करते हैं उन लोगों को भी एक सबक मिलेगा कि जो वो ये काम करते हैं थोड़ा उनमें खौफ और डर पैदा करेगा, तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और सही हुआ ये एनकाउंटर। कैसे लगता है, निर्भया केस हो चाहे हैदराबाद का केस हो, ये दो ऐसे केसेस रहे हैं कि मतलब ये नज़रों के सामने आए, लोगों को पता चला इस बारे में, वरना ऐसे केसेस तो आए दिन होते रहते हैं, दिन रात होते हैं, दिन भर में 24 घंटे में कई केसेस आते हैं। लेकिन ये केसेस ऐसे थे कि सबकी नज़रों में आ गए और हत्या कर दी गई इनकी। तो मतलब ऐसे केसेस को तो मेरे हिसाब से ये जो एनकाउंटर हुआ है, मैं तो मतलब ये तो होना ही चाहिए था, ये तो सेटिस्फैक्शन हुआ ही है लोगों को कि होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा अगर जो है मेरे हिसाब से पब्लिक के हवाले छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनकी फैमिली के साथ उनको बुला के सामने दिखाना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। उनकी फैमिली को दिखाओ, उनके सामने पब्लिक उनको लिंचिंग करे उनके साथ, ये होना चाहिए एक्चुअल में। तो मतलब एनकाउंटर के साथ तो मतलब जो हुआ है अभी सही हुआ है। अगर कोर्ट लॉ के अगर हवाले छोड़ दिया जाता तो ये केसेस वैसे ही हो जाता जैसे निर्भया केस को, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, उनके माँ बाप अब भी तरसते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो हुआ है वो सही हुआ है। इसके अलावा अगर और मतलब मैं कहना चाहूँ तो यही है कि लिंचिंग कर देनी चाहिए इनके साथ। तो